हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मम्मी घर पे नहीं है तो नाश्ता मुझे ही बनाना है एंड मैं उठी हूँ 10:30 बजे एंड नाश्ता मैंने बना लिया है। इफ यू कैन सी, मैंने गैस पे तवा रख दिया है। आई विल शो यू व्हाट आई मेड। सो आई मेड मूंग डोसा एंड ये दिन के लिए फॉर लंच मूंग की सब्जी आई विल मेक। सो फॉर नाउ इट इज मूंग का डोसा। तो मैंने सोचा डोसा भी बनाया जाए एंड साथ में मूंग दाल के पकौड़े भी। सो आई एम मेकिंग बोथ। तो मेरा नाश्ता इज़ रेडी, डोसा पकौड़ा एंड कप ऑफ कॉफ़ी। आई डोंट यूजली मेक कॉफ़ी, मतलब सिर्फ आइस्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, गर्म कॉफ़ी बहुत कम मम्मी बनाती है। लेट्स सी हाउ डिड आई मेक इट। कॉफ़ी पाउडर थोड़ा कम है बट आई कैन मेक गुड कॉफ़ी। मुझे वापस से लगने लगी है भूख, 3 बजने को है एंड द वेदर इज़ वेरी कोजी एंड विच इज़ मेकिंग मी लेजी। बारिश आके रुकी हुई है, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड एंड मुझे वापस भूख लग गई है बिकॉज 3 बज रहे हैं एंड डोसा है। आई थिंक आई हैव दैट ओनली। सो लेट्स ईट। मैं सिर्फ एडिट कर रही थी सुबह से, आई हैव डन नथिंग एल्स बिकॉज इस मौसम में कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। बस खाने का तो कोई भी मौसम मन हो जाता है। सो आई जस्ट गो ईट नाउ। एंड इसे देखो, हमारी पापा की परी। बाहर मौसम काफ़ी ठंडा था तो पापा ने ना इसको ऐसे चद्दर बिछा के, ऊपर भी चद्दर इसको उड़ा के सुलाया हुआ है एंड ये अच्छे से सो भी रही है। आहा, इसके तो मज़े लाइफ में, आराम से ठंडी में सो रही है। लुक एट हर, हाउ क्यूट इज शी। पापा की परी है ये लाइक, एंड पापा वहाँ पे सो हुए पीछे। उन्होंने ना इसको कहा कि ऊपर जा, नीचे ऐसे जाके सो, इन्होंने सुलाया था। ऑल ऑफ अ सडन वेदर इतना चिली हो गया है ना, मतलब इतनी ठंड लग रही है ऑल ऑफ अ सडन। 2 दिन पहले इतनी गर्मी लग रही थी, पंखे के बगैर रह नहीं सकते थे बट नाउ पंखे की ज़रूरत ही नहीं है एंड बारिश आ भी नहीं रही है। इट्स जस्ट द वेदर इज कोल्ड, बारिश रुक गई है बट रोड अभी भी भीगा भीगा हुआ है। इफ़ यू कैन सी फ्रॉम हियर आई डोंट नो। एंड मुझे अभी आई हैव 1 आवर टाइम, 1 आवर के बाद जाऊंगी मैं डिनर बनाने। तो मैंने सोचा कुछ देख लेती हूँ, ड्रामा या कुछ नेटफ्लिक्स एंड उसके बाद आई विल मेक डिनर, उसके बाद आई विल एडिट, वापस से ड्रामा देख के देन आई स्लीप। सो या ओके, तो आई कम टू द किचन एंड मैंने ना 80% बना लिया था खाना एंड सडनली करंट चला गया। मतलब अंधेरा भी नहीं हुआ है, बारिश की बूंदे की आवाज़ आ रही है बाहर से, करंट नहीं है घर पे एंड मुझे खाना बनाना है। फ्लैश लाइट लगा के बना रही हूँ मैं। इट वाज सो क्रीपी, मतलब पूरा अंधेरा होता तो भी इट वाज फाइन, लेकिन थोड़ा सा यू नो इवनिंग टाइम में जो थोड़ा रोशनी होता है वैसा था एंड बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है एंड पूरा सन्नाटा घर पे। पापा भी कुछ लेने बाहर गए अभी, जस्ट मैं और डुग्गी सिर्फ दोनों ही थे एंड आई वॉज, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पीछे देखने को भी ना मुझे डर लग रहा था। तो फ्लैश ऑन करके बस गाने गा रही थी ज़ोर से एंड मैंने अपना काम कर लिया एंड खाना बन गया है ऑलमोस्ट। आई मेड कढ़ी, रोटी एंड सब्जी। तो ये रहा खाना तैयार एंड डुग्गी इज़ ऑल्सो ऑल सेट, आराम से शी इज़ कमिंग एंड स्निफिंग। अभी जस्ट खाना खा के आई है ये खुद का एंड इसको ये भी चाहिए। एंड आई हैव माय डिनर रेडी। मैंने रोटी सिर्फ 2 ली है, दाल मूंग दाल ज़्यादा लिया है, हेल्दी प्रोटीन रिच डिनर एंड खड्डी साथ में
That is what it was really raining like 5 minutes पहले 5 मिनट हुए अंदर आके it stopped raining. अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश आ रहा है. जब मैं बाहर गई it was like heavily raining. सुबह से तो जोर की नहीं आई थी बारिश, शायद सुबह से धीमी धीमी हल्की हल्की आ रही थी. एंड जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वैसे शायद साउंड बाहर बढ़ता जा रहा है बारिश का, आई डोंट नो. बट अभी मैं रूम में आई हूँ, मेरे रूम में, जो कि मैं बहुत कम आ रही हूँ आजकल क्योंकि वीडियोज़ मैं नहीं बना रही हूँ. तो आई हैव कम हियर, मेरे दिमाग में वीडियो बनाने का है दो, मतलब आउटफिट चेंज करके नहीं, ऐसे ही BTS वाले अकाउंट के लिए. तो वो मैं करूँगी अभी एंड देन बस दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल कॉल इट अ डे आफ्टर दैट. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड माई टुडेज़ वीडियो. हैविंग सेड दैट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. स्टे सेफ, टेक केयर, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.